ये ऊपर उसका स्टूडियो है ऊपर ये वाला, और ये दूसरा घर है, तो दोनों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद मैंने व्लॉग दोबारा शुरू करा, बहुत बिजी था, बीच में शूट्स वगैरह थे और वहां जाना था, तो आज व्लॉग को शुरू करते हैं दोबारा से। अब से कोशिश करता हूं कि रेगुलर व्लॉग डाला करूं, बट टाइम नहीं होता, बट मेरे को रेगुलर करना है, तो करते हैं कोशिश और बने रहते हैं आपके साथ। आप भी मिस कर रहे होगे, मैं भी आप सबको मिस कर रहा हूँ। आपकी कमेंट्स आ रही थी अच्छी अच्छी, आपके लाइक्स आ रहे थे, आपके सब्सक्राइब भी आ रहे थे, थैंक यू उन सब के लिए। तो अब शुरू करते हैं आज से दोबारा से व्लॉग। तो चलो, आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में स्पीकर सही कराने, बहुत ख़राब हो रखे हैं, तार वार कुछ हिल गई थी, बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले ही गाड़ी में CNG लगवाई है अभी, तो उसके चक्कर में मैंने सारा बेस ट्यूब वगैरह सब कुछ हटा दिया था, तो तारें हिल गई हैं, तो उसी को ठीक कराने चलते हैं। चलो चलिए। आ चुके हैं गाड़ी का काम कराने, ये वरुण भी हैं, बहुत ही पुराने मेरे जानकार हैं, और भैया का बहुत अच्छा नाम है ऑडियोस वोडियोस में। तो ये भैया से मैं करवाने आया हूँ, स्पीकर ठीक करवाने आया हूँ, तारे कनेक्ट करवा रहा हूँ। भैया हेलो बोल दो सबको। हेलो, अपनी दुकान बता दो कहाँ पे है। टिकोना पार्क फरीदाबाद, जैन इलेक्ट्रॉनिक्स। वरुण जैन है, भैया का नाम बहुत अच्छा है, और भैया से आपको कोई एम्प वगैरह लेना हो, बेस ट्यूब लेने हो, भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगी कार की एक्सेसरीज, सारी एक्सेसरीज भैया रखते हैं। भैया की दुकान में यहाँ से दिखाऊँ तो दिखेगी, बोरी बोरा सामने बोर्ड दिख गया, ये जैन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस अब हो गया काम, गाड़ी में स्पीकर चालू हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों स्पीकर चालू हो गए, और यहाँ लगा हुआ पीछे जाम, पूरा गाड़ियों की मार्केट है, इसे बोलते हैं तिकोना पार्क। ये है गाड़ियों की पूरी मार्केट है, यहाँ सारी गाड़ियाँ ठीक होने आती हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, लाइटें वाइटें सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें, जो कहीं पर भी नहीं मिल सकता वो आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ सब जुगाड़ चलते हैं अच्छे खासे। चलो मैं बैक करता हूँ, मिलते हैं दोबारा। जाम से भी निकल गया और अब मैं जा रहा हूँ घर की, और फिर मिलते हैं घर के बाद दोबारा से। काम तो हो गया, स्पीकर चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, गाना नहीं सुना सकता क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट वाला सीन हो जाएगा। तो मिलते हैं घर जाके, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चलाते जाते अलाउड नहीं होता फ़ोन यूज़ करना, तो बाय बाय। तो हेलो गाइज, ये है आलोक और आप देख रहे हो अवनीश भाटिया व्लॉग। तो ये मेरे व्लॉग में पहली बार आया, ये है मेरे मामा का बेटा, आपको मैंने दिखाया था अंकुश को, जो लास्ट टाइम मिला था, छोटा वाला मेरा भाई मामा का, और अंकुश की बहन रश्मिता, ये उनका बड़ा भाई है आलोक। हेलो बोल दे आलोक। हेलो गाइस, भाई के बहुत अच्छे व्लॉग्स आते हैं, सबने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करनी है, भूलना मत शेयर करना, और कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको आलोक कैसा लगा और मेरे व्लॉग कैसे चले, वो जरूरी है, उससे हमारे को फीडबैक मिलता रहेगा कि क्या करना है आगे, कैसे बनाना है ना। और बताओ सब बढ़िया, मौज आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना भाई को, भाई भी आके आपकी थोड़े क्या करेगा, अफसोस करेगा, ओहो क्या हो गया। खैर मेरे को मत बताना अपनी प्रॉब्लम, खुद सॉल्व करो, क्योंकि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है ना। चलो मिलते हैं फिर दोबारा आलोक, कुछ कहना चाहता और नहीं ना, बस भाई ब्लॉग कैसे लगते हैं तेरे को। बहुत अच्छे भाई, बहुत ऑसम, थैंक यू। कोई बुरा लगे तो कमेंट करके बता भी दिया करो, भाई ये खराब है, ये खराब है, ताकि मैं अपनी चीज सुधार सकूं। इफ सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ नॉट टेल मी, पता तक कोई ऐसा लगा नहीं ब्लॉग। चलो थैंक यू, सब अच्छे लगे, थैंक यू, कोशिश कर रहे हैं हम आपके अच्छे लगने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से, ओके बाय गाइस। अभी मैं आया था कैरी मिनाटी के घर, या लोग भी है मेरे साथ। Hi guys. अभी उसके ना कैरी मिनाटी के पापा मिले और वो बोल रहे हैं कि अभी है नहीं वो घर पे, और मैं सामने खड़ा हूँ, उसके पापा भी सामने खड़े हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुको। वो कह रहे हैं अभी है नहीं, और वो गुड़गांव नोएडा और पता नहीं, कह रहा है कभी बॉम्बे चले जाते हैं, कह रहे बेटा हमारे को भी नहीं पता रहता कुछ भी कहाँ रहते हैं। तो अभी आपको उनके घर दिखाता हूँ दूर से ही, मोड़ता हूँ कैमरा, बैक साइड करता हूँ। ये वाला घर है, ये देख सकते हो आप, ये ऊपर उसका स्टूडियो है ऊपर ये वाला, और ये दूसरा घर है, तो दोनों घर एक साथ ही हैं, और ये बहुत ही अच्छा घर पहले से बनवा लिया है, रेनोवेट करवा दिया पूरा इन्होंने घर, और ये मिस्त्री लगे हुए हैं इनके घर में। ये वाला घर है गाइस, ये एक फ्लोर दो फ्लोर वहाँ पे बना हुआ है इनका स्टूडियो, और ये वाला है घर, एक ये है और एक ये है, दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये अभी बनवाया इन्होंने घर, मेरा हैंड शेक हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि जूम पे हो जाता है। ये पूरा इसका मतलब आगे का गार्डन एरिया है ये वाला। गाइस वो खड़े उसके पापा पीछे ऊपर छत पे, देखो वो, देखो
अरे कहाँ गए, गायब हो गए, ये खड़े इसके पापा। गाइस अभी हम होके तो आए हैं बट कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक दो बार पहले भी गया था पर मैंने वीडियो में कभी नहीं दिखाया, पर अलोक था, अलोक कह रहा चल कैरी मिनाटी का घर दिखा घर दिखा, तो आज इसको भी दिखा के ले आया और अपने एक दो दोस्तों को और भी ले गया था मैं कैरी मिनाटी के घर पे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इसलिए आपको नहीं देख पा रहा, ठीक है। तो अब गए थे, अब उनके पापा मिले, कह रहे बेटा मेरे को खुद को नहीं पता रहता वो कहाँ रहता है, तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते रहना, आपका जब लक अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा। हमारा लक पता नहीं, हमारा लक अजमाना पड़ेगा हमारे को बार बार। चलो अब हम आ गए हैं सेक्टर 16 की मार्केट में, फिर मिलते हैं बहुत देर बाद। हम पहुंचे हैं सेक्टर 16 की मार्केट, इतनी देर से उसके घर से निकले हुए हैं, इतनी देर से उसके घर से निकले हुए हम कैरी मिनाटी के। इतनी दूर घर है ना, कम से कम कितना होगा, 5-7 किलोमीटर तो दूर होगा। 5-7 किलोमीटर भाई बड़ी दूर था यार, नहीं ज़्यादा दूर, मतलब 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। और चलो मिलते हैं दोबारा। अब हम कुछ खाएंगे पीले शायद, कुछ खाएगा अभी तो जस्ट खाना ही खाया था लेट थोड़ी, तो अभी तो भूख नहीं है। चलो घूमते हैं जब तक थोड़ा सा। तो गाइस अब निकले हम मार्केट से, कुछ था ही नहीं, मार्केट पूरी खाली थी जब से लॉकडाउन लगा, उसके बाद से जब से कुछ स्टार्ट हुआ है मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे ही बस दोस्त मिल गया था उसके साथ टाइम पास कर लिया, तो इसलिए मैंने आपको भी कुछ दिखाया ही नहीं मार्केट में। एक फ्रेंड मिल गई थी उससे भी बात बात करी, बट बस वो भी चले गए, खाया पिया उसने अपना। और हेलो कैसा लगा? ठीक था, ऐसे ही घूम फिर के आ गए, बस दोस्त से मिल के आ गए एक, और ज्ञानीश पे एक आइसक्रीम खा ली थी बस। बट कोई नहीं, कल चलेंगे एलविस से मिलने, कल चलेंगे, कल नहीं देखते हैं, अब कल फिर कभी बीच में निकलेंगे। एलविस यादव का घर तो मेरे को पता है कहाँ है, जो उसका घर बन रहा है वो तो मेरे को पता है कहाँ पे है, बट वो नहीं पता जहाँ पे वो अभी रिसेंट रह रहा है। और जो घर बन रहा है उसमें अभी टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लग जाएगा उसको बनने में, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ जाम लगा हुआ है इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे। ये देखो सामने जाम लगा हुआ है, ये सारा दिख गया, दिख ही गया होगा, फ्रंट कैमरे से चल रहा है ना। पर भाई साहब आज तो हमारा कैरी मिनाटी के पापा ने अच्छा वाला काट दिया। कह रहे बेटा मेरे को आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा आपको पता रहता है कि वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता। ये भाई क्या कह रही है, हमारे को नहीं पता वो कहाँ रहता है, कि अपने बेटे से मिलवा दो। मैंने उनको बोला अंकल जी अपने बेटे से मिलवाओ, इसमें क्या गलत बोला भाई, उनका बेटा नहीं है, बेटे से मिलवाने के लिए कुछ गलत थोड़ी बोला हमने, तो गलत बोला भाई साहब। गाइस ये बताओ भाई साहब, आज अंकल ने ये बोल दिया, अंकल आपके फ्रेंड है, अंकल ने बोल दिया, ऐसे नहीं बोला है, अपने आप से मक्खन लगा रहा है, वो लगा रहा है बात है वो मसाला। मैंने बोला अंकल जी आप कौन? कह रहे बेटा मैं उनका पापा बोल रहा हूँ। मैं कहा अच्छा नमस्ते अंकल। फिर कह रहे हाँ जी। मैं कहा अंकल जी अपने बेटे से मिलवा दो। जो कुछ पता होगा आपको ही पता रहता है, वो कहाँ आता जाता है, हमारे को तो बस ये पता है वो घर से घर पे नहीं है, आता है और चला जाता है, कुछ भी नहीं पता कहाँ आता है कहाँ जाता है। चलो अब देखते हैं, कभी मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर मिल तो जाएगा ही, 7-8 किलोमीटर दूर रहता है, मारेंगे कभी चक्कर लगा तो आएंगे पास में। चलो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, घर जाते हैं फिर उसके बाद ब्लॉग को देखते हैं। बस सुबह से आज यही हुआ, कुछ टाइम पास ही हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ खास करा नहीं, अभी फ्री हुआ था कल परसों शूट से, क्योंकि अब वेडिंग का सीज़न ख़त्म हो गया है। चलो मिलते हैं दोबारा से। यहाँ लग गया है बुरा वाला जाम, ये रेड लाइट आ गए, और पर रेड लाइट भी बहुत दूर है, बहुत दूर, पर जब हम जाएंगे वहाँ रेड लाइट तक पहुँचेंगे तब तक दोबारा रेड लाइट हो जाएगी। हम लगा हुआ है, हम आपसे बातें कर लेते हैं। अब आपको किसी को मेरे साथ व्लॉग बनाना हो, या कोई अपना व्लॉग चैनल शुरू कर रहा हो, या फिर किसी ने अपना व्लॉग चैनल शुरू कर दिया हो, तो मेरे से आके कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मिल के व्लॉग बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये लोग हमारा जिम बॉय, आज जिम जाएगा ये कहाँ, कुछ भी नहीं है, खाली है ये देख, अरे होए इसे कहते हैं भाई, कोई बात नहीं भाई, कह सकते बी लाइक अवनीश, ओके काम के लिए आया था, मेरे पास बहुत तीन काम है, तीन में से तीनों जगह पैर रखे हैं, एक भी जगह मैं पूरा काम नहीं कर रहा यार। अभी भी मैं अपने काम के लिए आया था, चोको डिवाइन वाले काम के लिए आया था अपने, बट देखो जल्दी खोलना अपना कैफे दोबारा से ना, बहुत कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा शेक्स वगैरह, अब तो गर्मी अभी आ गई। एक्चुअली मेरे पास था शेक्स, पिज्जा, पास्ता, सैंडविचेस, बर्गर, मोमोज, ये सब चीज़ें थी, और सबको सब कुछ पसंद था मेरे कैफ़े का, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, बस लॉकडाउन ने काम ख़राब कर दिया है,
बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से करेंगे, दोबारा से सबको देंगे, शेक्स वगैरह जो भी मांग रहे हैं। बहुत कॉल्स आते हैं डेली की, ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ डेली के बहुत सारे। मैं पर्सनली बाय खुद भी बना सकता हूँ, और लड़के भी रखे हुए थे 5-7। चलो जो होगा अच्छा होगा, ट्रैफिक खुल गया, बाद में बात करता हूँ, बाय।